जी एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमने करना है। पेज नंबर 111 सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, ठीक है, इन दी इंटरवल माइनस पाई से पाई था, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, बिल्कुल उसी तरह से भी क्वेश्चन होगा हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने इसकी एक्सट्रीम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस फंक्शन जो वाई हमारे पास डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ऑन बोथ साइड, या हम दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव वाई के साथ भी लगेगा और डेरिवेटिव एक्स प्लस साइन 2x इसके साथ भी हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। अब हमें ये बन जाएगा dy वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, या हमने डेरिवेटिव जो है x के साथ अलग अप्लाई करना है और डेरिवेटिव जो है हमारा यहाँ पर साइन 2x के साथ भी लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे dy वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x एंगल का डेरिवेटिव 2, तो ये हमारे पास आता है 1 प्लस, ठीक है, 2 cos 2x, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने इसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं जी, फॉर क्रिटिकल वैल्यू dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0, हमें इसे 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो 2 cos 2x इक्वल टू ये 1 हमारा इधर माइनस हो जाएगा और cos 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर जो है यहाँ हमारे पास जो cos वहां जाके इनवर्स हो जाएगा और cos इनवर्स 1 डिवाइड बाय 2 माइनस भी हमारे पास है, तो इसमें दो फ्रूट बनेंगे इसके। अगर इसकी जो भी वैल्यू हमारी आती है इसको दो बार हमने लिखना है, यानी यहाँ पर cos इनवर्स की वैल्यू आती है हमारे पास माइनस 1 बाय 2, तो cos इनवर्स माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ये हमारे पास आता है 120 डिग्री, ठीक है, ये हमारी वैल्यू बनती है 120। पहले तो हम ये देखते हैं कि इस पे वैल्यू कितनी आती है, तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, x इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा बनता है 60 डिग्री। 60 की वैल्यू होती है हमारी पाई डिवाइड बाय 3, ठीक है ना, 3 6 180 डिग्री बनेगी हमारी। तो ये एक एंगल बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एंगल है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसके दरमियान में हमारे पास क्या इस तरफ तीन हिस्से किए गए हैं, ठीक है, और इसका एक हिस्सा इसने का ले लिया है, तो बाकी जो दो हिस्से हैं ये 2 पाई डिवाइड बाय 3, ये तो दूसरी वैल्यू हमारे पास बनती है 2 पाई डिवाइड बाय 3, ठीक है। इस तरह x की दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 3 और दूसरी हमारे पास होगी x इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये दो एंगल्स हमारे पास बनते हैं, दोनों पॉइंट्स हमारे पास जो है x की वैल्यू उसको हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमने, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ऑन बोथ साइड, तो याद रहेगा d ओवर dx इंटू डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं और उसी की वैल्यू के साथ भी बोथ साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 प्लस 2 cos 2x ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा 0 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2। तो इस तरह जो है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो हमारी आ रही है यहाँ पर माइनस 4 साइन 2x, ठीक हो गया।
सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू में हमने ये पॉइंट्स जो है ये पॉइंट वन और ये पॉइंट टू इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो इस तरह हम फॉलोअप करेंगे कौन सा पॉइंट जो है वो मैक्सिमम कौन से मिनिमम के तौर पर यूज होगा। पहले हमने एक्स की जगह पे पुट करना है यहाँ पर पाई डिवाइड बाय थ्री, ठीक है। इसमें पाई डिवाइड बाय थ्री पुट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर साइन टू इंटू पाई डिवाइड बाय थ्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस फोर, ये एंगल हमारा बनता है यहाँ पर 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टू, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 120 डिग्री, ठीक है। अब साइन 120 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 120 की वैल्यू आती है स्केयर रूट थ्री माइनस फोर, इसकी वैल्यू आती है स्केयर रूट थ्री डिवाइड बाय टू, टू वन द टू 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 द फोर, तो माइनस टू स्केयर रूट थ्री जो है ये लेस देन टू जीरो होगा, ठीक है। और ये डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में ये हमारे पास जो है जीरो से छोटा है तो अब इसके इसलिए हमारे पास जो होगा द फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू पाई डिवाइड बाय थ्री, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला हमने फाइंड कर लिया, अब हम सेकंड फाइंड करते हैं तो सेकंड में हमारे एक्स की वैल्यू होगी टू पाई डिवाइड बाय थ्री, ठीक है। इस टू पाई डिवाइड बाय थ्री को भी हमने क्या करना है अपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर साइन, एंगल हमारे पास आ जाएगा टू इंटू टू पाई डिवाइड बाय थ्री, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा माइनस फोर, अब ये जो साइन की वैल्यू आ रही है हमारे पास ये आती है हमारे पास यहां पर साइन टू टू द फोर, पहले एंगल देखते हैं ये हमारे पास आता है फोर मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, और डिवाइड बाय आता है थ्री, तो ये 240 आ रहा है, तो साइन 240 की वैल्यू हमारे पास है जी, साइन 240 की वैल्यू हमारे पास है माइनस के रूट थ्री डिवाइड बाय टू, ठीक हो गया। तो ये माइनस माइनस एक तो कैंसिल हो गया, टू वन द टू 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 द फोर, तो ये आती है टू स्केयर रूट थ्री, देखिए ये पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब ये मोर देन टू जीरो हो गई है। अब इसकी कैटेगरी क्या बनेगी, द फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू थ्री पाई डिवाइड बाय सॉरी टू पाई डिवाइड बाय थ्री, ठीक हो गया। यहां पर ये हमारा एंगल बनेगा, अब दो वैल्यूज हमें पता चल गई है, अब हमने क्या करना है y में इन दोनों को पुट करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो हमारा y जो है y हमारे पास है यहाँ पर x प्लस साइन टू एक्स, तो याद रखिएगा x प्लस साइन टू एक्स, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने इसमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू पाई डिवाइड बाय थ्री, अगर हम x में पाई डिवाइड बाय थ्री पुट करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी y मैक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई डिवाइड बाय थ्री प्लस साइन, ठीक है, टू इंटू पाई डिवाइड बाय थ्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई डिवाइड बाय थ्री प्लस, अब साइन टू पाई डिवाइड बाय थ्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 60 का थ्री का तो 60 मल्टीप्लाई बाय टू साइन 120, ठीक है, ये होगा साइन 120 डिग्री, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूं यहां पर ये आ जाएगा साइन टू पाई होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर डिवाइड बाय 3 डिग्री में होता है 180, तो ये आ जाएगा 3 वन द 2 3 8 द सॉरी 3 6 द 60 और ये हो जाएगा हमारा पाई डिवाइड बाय 3 प्लस साइन 120, ठीक हो गया 6 दूनी 12, तो साइन 120 जो है ये हमारे पास आता है अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, तो पाई डिवाइड बाय 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये हमारी y मैक्स की वैल्यू आंसर है, ठीक है, एक ये हमारा आंसर आ गया इसका। और दूसरा हमने जो फाइंड करना है कि हमने इसकी जगह पे 2 पाई डिवाइड बाय 3 की वैल्यू पुट करनी है, तो इससे हमें मिलेगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाय 3 और प्लस साइन हमारे पास आ जाएगा 2, एंगल हमारे पास है इसका 2 पाई डिवाइड बाय 3, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाय 3 और प्लस हमारे पास यहाँ पे 2 टू द 4, इसकी वैल्यू वैसे बना लेते हैं साइन 2
ये आ जाएगा हमारे पास 180 मल्टीप्लाई बाय 2 इनके 2 इंटू 180 तरतीब से कर लेते हैं डिवाइड बाय 3। आपके सारे के लिए मैंने इसको जो है डिग्री में कन्वर्ट कर दिया प्लस साइन 2 ये हो जाएगा 360 या ये हो जाएगा यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी 60 डिग्री 6 to the 120 मल्टीप्लाई बाय 240 ठीक है इसका एंगल आ रहा है 240 डिग्री तो ये आ जाएगा 2π डिवाइड बाय 3 प्लस अब साइन 240 की वैल्यू निकालते हैं साइन 240 का जो आंसर आता है माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 ठीक है तो इसका आंसर आएगा 2π डिवाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 ये हमारी है y मिनिमम की वैल्यू ठीक हो गया। तो इस तरह जो है हमारा जो मैक्स आता है मैक्सिमम वैल्यू हमारी है पाई डिवाइड बाय 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 और जो हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो है 2π डिवाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 ठीक हो गया। तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली।